हाय एवरीवन, सो आज हम बनाएंगे पोहा। उसके लिए हम लेंगे थोड़ी सी मूंगफली, एक अनियन, 1.5 कप पोहा, धनिया, 8-9 कड़ी पत्ते और मटर। फिर हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों के दाने, आप राई भी यूज़ कर सकते हो, 1 चम्मच सौंफ, 3-4 कड़ी पत्ते और 1 अनियन। 2-3 मिनट इसको भून लेंगे। इसको भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मटर और उनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अनियन के साथ। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला फॉर टेस्ट। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले एक बार अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फिर मैंने इसमें डाला है पोहा। पोहा को मैंने सिर्फ धो के डाला है, आपको भिगो के नहीं रखना है पोहा को। और ये मैंने मीडियम पतला पोहा यूज़ करा है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया और थोड़े से कड़ी पत्ते और मैंने मूंगफली भी डाला है। इसको मैंने तवा पे भून के यूज़ करा है, उससे और अच्छा टेस्टी सा फ्लेवर आ जाता है। बस अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना और ये रेडी हो गया है। ये काफ़ी हेल्दी और इजी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट। बाय।